हाई वीक्स और हाई आईवी वाले मार्केट में आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को खास ख्याल रखना पड़ता है। यदि आप नॉर्मली 1:3 या 1:4 पे काम करते हैं तो कई बार क्या देखने को मिलता है कि जब कभी भी मार्केट का रेंज जो है वो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़े रेंज में मार्केट अप एंड डाउन करता है, जब कभी भी कोई न्यूज़ इवेंट हो सकता है या कोई एक्सटर्नल इवेंट हो सकता है, कोई वॉर सिनेरियो हो सकता है, तो इस तरह के समय में आपको अपने आरआर को कम कर देना चाहिए। यदि आप 1:4 की जगह 1:2 कर दें, क्योंकि इंट्राडे रिवर्सल आते हैं, आपके 1:2 पे आपको प्रॉफिट होता रहता है, लेकिन क्लोजिंग आते आते सभी प्रॉफिट जो है वो इरोड हो जाते हैं। तो नॉर्मली आपको इस चीज़ को आप इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जब कभी भी हाई आईवी मार्केट हो तो आप 1:2 पे जो है वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, और नॉर्मल मार्केट में जो है वो अपने रेगुलर प्लान के हिसाब से काम कीजिए। इस पर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।